डीके सोनी जी और अजय अग्रवाल जी। करना चाहूंगा डीके सोनी जी का और अंबिकापुर में मार्क्समैन के नाम से जाने वाले अजय अग्रवाल जी का। तो सबसे पहले मैं डीके सोनी जी के पास ही जाना चाहूंगा। आप सामाजिक कार्यकर्ता भी हैं, अधिवक्ता भी हैं, आईटीआई कार्यकर्ता भी हैं, बहुत सम्मान पा भी चुके हैं इससे पहले, नेशनल अवार्ड बहुत सारे। सरगुजा को कैसे देखते हैं अभी, क्योंकि हमारा नाम ही है राइजिंग सरगुजा राइजिंग छत्तीसगढ़। पहले तो साधना न्यूज के पूरी टीम को धन्यवाद मुझे मंच प्रदान करने के लिए। अब सरगुजा को आप बहुत पहले से देख रहे हैं, हम लोग भी देख रहे हैं। यहाँ सभी राजनीतिक पार्टियों के लोग अपने अपने तथ्यों को, अपने अपने बातों को अपना बखान खुद करते हैं, लेकिन यहाँ पे हो रही गड़बड़ियों के ऊपर किसी का ध्यान नहीं जाता है। यहाँ पे विकास की अपार संभावना है, लेकिन उस विकास के लिए जो राशि आती है उसका सही सदुपयोग नहीं हो पाता है, और उसमें एक करप्शन का कीड़ा है जो उस राशि को खा जाता है। उस संबंध में कोई भी राजनीतिक पार्टियां उठाती नहीं है, चाहे भारतीय जनता पार्टी हो, चाहे कांग्रेस पार्टी हो, चाहे अन्य पार्टियां हो। आप छोटा सा उदाहरण दूंगा, अंबिकापुर रिंग रोड, यह एक ऐसा रिंग रोड है जिसके लिए भारतीय जनता पार्टी ने रिंग रोड के भूमि पूजन में लगभग करोड़ों रुपए खर्च किए। उसका वाहवाही लेने के लिए भारतीय जनता पार्टी ने पूरे रिंग रोड 11 किलोमीटर पदयात्रा किया। जब रिंग रोड बना तो कांग्रेस की गवर्नमेंट आ गई। अब उसकी वाहवाही लेने के लिए कांग्रेस की गवर्नमेंट के जो राजनेता थे वो स्कूटी से घूमे, लेकिन जो रिंग रोड बना उसकी क्वालिटी और क्वांटिटी के ऊपर कोई ध्यान नहीं दिया। उस रिंग रोड पे चलने से कितने लोगों की मृत्यु हुई, कितना घटिया रोड निर्माण हुआ, उस पर किसी का ध्यान नहीं गया। 100 करोड़ के रिंग रोड को इतना घटिया बनाया गया कि आज भी अगर आप रिंग रोड में चलेंगे तो उल्टी हो जाएगी, ऐसी स्थिति है। इसके साथ साथ मैं एक महत्वपूर्ण चीज बताना चाहूंगा, आज अंबिकापुर शहर से महामाया पहाड़ अस्तित्व में है, आप जानते होंगे। वहां पे हजारों की संख्या में अवैध कब्जा किए जा रहे हैं और बहुत सारे लोगों को बसाया जा रहा है, लेकिन वन भूमि पे कार्यवाही उनके द्वारा नहीं की जा रही है। अभी हमारे संस्था के द्वारा, हमारे कुछ लोगों के द्वारा, जो कि आदिकाल राम पथ गमन के माध्यम से मुख्यमंत्री ने एक काम चलाया है हर जगह, तो आदिकाल से हमारा एक हाथी पखना के नाम से प्रसिद्ध जगह है महामाया पहाड़, और वहां पे गणेश, स्वयं मुख गणेश जी प्रकट हुए हैं। लेकिन आज अगर वहां पे हम अस्थाई रूप से गणेश जी की स्थापना करवाए हैं तो उसके संबंध में शासन प्रशासन अलर्ट हो गए और उसका विरोध करने लगे कि आपने यहाँ गणेश जी की स्थापना क्यों कराई। हम लोगों के द्वारा यह बताया गया कि वहां पे अस्थाई रूप से, आज से नहीं आदिकाल से, जिसके संबंध में माननीय उप मुख्यमंत्री ने भी बोला है तथा अन्य जनप्रतिनिधियों ने बोला है कि यहाँ पे आज से नहीं आदिकाल से हाथी रहते थे और महावत इनकी देखरेख करते थे और हाथी पखना के नाम से, इसलिए गणेश जी का अस्तित्व है। महामाया मंदिर का भी अस्तित्व वहीं था, बाद में महामाया मंदिर को नीचे बैठाया गया। हम लोगों का एक संकल्प है कि वहां पे एक गणेश जी की विशाल प्रतिमा बने और वहां पे रहे, लेकिन इस मुद्दे को भी किसी के द्वारा नहीं उठाया जा रहा है। ऐसे मामलों को आप देखेंगे कि यहाँ लगातार सरगुजा में करोड़ों करोड़ों नहीं अरबों रुपए का करप्शन होता है, लेकिन कोई भी राजनेता इस मुद्दे पे बात नहीं करता है। उदाहरण स्वरूप अदानी, आज सरगुजा की कोयले संपत्ति जो है, खनिज संपदा, वो बाहर जा रही है। उसके संबंध में सभी राजनीतिक पार्टियां जाके बोलती हैं कि हम बंद कर रहे हैं। अरे परमिशन देने वाले सेंट्रल गवर्नमेंट है, कुछ परमिशन देने वाले स्टेट गवर्नमेंट है, लेकिन दोनों पार्टियों की मिलीभगत से आज लाखों के लाखों पेड़ सरगुजा के हंसदेव अरण्य के काटे गए।
सैकड़ों की संख्या में वहां पे गरीब आदिवासी लोग बैठे हुए हैं, लेकिन उनकी कोई सुनने वाला नहीं है। उस संबंध में भी मैंने माननीय सर्वोच्च न्यायालय में जनहित याचिका लगाया, तब जाकर कहीं काम रुका हुआ है। ऐसे मामलों आप देखेंगे सरगुजा में लगातार, बोल रहा हूं ना, विकास की गति बहुत बढ़ रही है। हमारे साथी आए, बहुत सारे बोले आज सही में सड़कें अंबिकापुर से रायपुर बहुत अच्छी बनी है, उसी प्रकार की सड़कें पूरे सरगुजा में अगर हो जाए तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन आप अंबिकापुर से राजपुर चल जाइए तो आपकी हालत खराब हो जाएगी। वो NH का रोड है, उसके रिपेयरिंग में करोड़ों रुपए की राशि निकाल ली गई, गबन हो गया, उसमें भी FIR दर्ज हुआ। लेकिन इन भ्रष्टाचारियों के विरुद्ध कोई भी राजनेता या कोई भी अधिकारी एक भी आवाज नहीं उठाते हैं, उनके विरुद्ध कोई भी कार्रवाई की मांग नहीं करते हैं। इसके पीछे सोचना पड़ेगा। वास्तव में जितनी राशि सरगुजा के विकास के लिए आती है उसका अगर 50% भी राशि उस विकास के रूप में खर्च होता है तो आज सरगुजा बहुत अच्छा और चमकेगा, लोग यहाँ आएंगे देखने। तो ये स्थिति है सरगुजा के विकास की। अजय अग्रवाल जी, इसे जानना चाहूँ, लगातार आपका देखा जाए मानवता, आप जीवों के प्रति बहुत ज़्यादा आप कराते हैं, आपने एम्बुलेंस प्रदान किए हैं, गौ सेवा मंडल को भी एम्बुलेंस प्रदान किए हैं, स्नेकमैन को भी आपने एम्बुलेंस दिया, डॉग को रुकाट को भी दिया, लगातार आपकी जो सेवा सरगुजा को मिल रही है। मेरे द्वारा किए गए काम का मैं बखान तो नहीं करना चाहता, परंतु मैं इस मंच के माध्यम से शासन का ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूँ। हमारे अंबिकापुर में एक वृद्ध आश्रम संचालित है जिसकी व्यवस्थाओं में काफ़ी कुछ कमियाँ हैं, और शासन प्रशासन उस ओर ध्यान दे और हमारे जो वृद्धजन किसी कारणवश वहाँ रहने को मजबूर हैं उनकी सुख सुविधा का ध्यान रखे। अगर देखा जाए वृद्धाश्रम की आप बात कर रहे हैं, अभी कुछ दिन पहले ही एक केसेस आई थी, वहाँ एम्बुलेंस की बहुत ज़्यादा कमी है, अगर एम्बुलेंस वहाँ सही टाइम पे पहुँच नहीं पाता है, अगर शासन प्रशासन को क्या बोलना चाहेंगे या आपके द्वारा कोई अगर पहल हो तो? चूँकि वहाँ वृद्धजन है, वृद्धजन अक्सर बीमार रहते हैं, वहाँ एक परमानेंट एम्बुलेंस की व्यवस्था होनी चाहिए, और अगर मैं एक परमानेंट एम्बुलेंस वहाँ डोनेट कर भी दूँ तो उसका संचालन की जिम्मेदारी अगर प्रशासन ले तो मैं यथाशीघ्र एक एम्बुलेंस वहाँ डोनेट कर दूंगा वृद्धों के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा जो आप मेरी बात को माने। तो अजय अग्रवाल जी, लगातार आपकी आपका जो सरगुजा का प्रेम है, सरगुजा वासियों से, जीवों से स्नेह है जो बना हुआ है, लोग भी भरपूर आपको प्यार देते हैं। इसी समाज का अंग हूँ मैं, और यहीं पैदा हुआ हूँ, यहीं पला बढ़ा हूँ, तो समाज के प्रति भी कुछ जिम्मेदारियाँ हैं हमारी, मैं उनको निर्वाह करने का प्रयास कर रहा हूँ। डीके सोनी जी, लगातार सम्मान आपको लगातार मिलते आ रहा, नेशनल अवार्ड की बात करूं बहुत सारे, क्या कैसे देखते हैं? देखिए, मैं बताना चाहूंगा कि मैं विगत 2006-07 से सामाजिक कार्यकर्ता और RTI एक्टिविस्ट के रूप में लगातार काम कर रहा हूं, और मैंने अभी तक, अगर मैं बताना चाहूंगा कि लगभग 20-25 FIR भ्रष्ट अधिकारियों के विरुद्ध मैंने दर्ज करवाया है, लगभग 5-10 करोड़ रुपए की रिकवरी ये भ्रष्ट अधिकारियों से किया करवाया है, लगभग 1 करोड़ रुपए गरीबों की मजदूरी को मैंने मनरेगा के योजनाओं से उन लोग को दिलवाया है। ऐसे बहुत सारे काम लगातार जनहित के मामलों को उठाते रहता हूं। यहां गोठान की चर्चा हो रही थी, मैं बता दूंगा कि ये जैसे रमन सरकार में जो घोटाला रतन ज्योत का हुआ था, उसी प्रकार कांग्रेस की गवर्नमेंट जो है उसमें सबसे बड़ा घोटाला गोठान का आएगा, मैं गोबर खरीदी का आएगा, तो ऐसे करके ये घोटाले उजागर होंगे। आज गोठानों के संबंध में माननीय उच्च न्यायालय में मैंने एक जनहित याचिका लगाई है। क्या हो रहा है कि वन भूमि में 40-40 एकड़ जमीन को चारागाह के रूप में निर्मित कर दे रहे हैं, जबकि बिना परमिशन, भारत सरकार के बिना परमिशन वन अधिनियम के तहत यह भूमि किसी भी अस्थायी निर्माण के लिए नहीं दे सकते हैं।
माननीय उच्च न्यायालय ने मेरे जनहित याचिका को स्वीकार करते हुए यह शब्द बोला कि जीव जंतु और पेड़ पौधे तो आ नहीं सकते कोर्ट, किसी को तो आना पड़ेगा। तो ऐसे मुद्दे मैं लगातार उठाता रहता हूं और इन मुद्दों को अंतिम चरण तक मैं ले जाता हूं जब तक उनके विरुद्ध कार्रवाई नहीं हो। अब एक और मुद्दा आपको मैं बताना बहुत जरूरी समझता हूं। यहां लगभग विगत 2 साल से कंज्यूमर कोर्ट में नियुक्तियां नहीं हो रही थी, न्यायालय खाली हुआ था। मेरे द्वारा हाई कोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक याचिका लगाई और आज स्थिति यह हुई कि मेरे याचिका के चलते, कंटेम्प्ट के चलते, आज सरगुजा के फोरम में 2 पदों पर नियुक्ति हो गई। तो यह सफलता का कारण होता है, आदमी अपना प्रयास करता रहे। बाकी सम्मान मिलना यह एक कड़ी में होता है, अगर सम्मान मिलता है तो उससे यह होता है कि कार्य करने की गति और तेज हो जाती है, आपको कार्य करने में और उत्साहवर्धन होता है। तो यह सब उद्देश्य देखते हुए मैं अपने जनहित के कार्यों को लगातार करता रहता हूं और आगे भी करता रहूंगा। मैं ये गोठान के संबंध में कुछ कहना चाहता हूं। हमारे जनप्रतिनिधियों द्वारा काफी कुछ कहा गया गोठान के संबंध में। आज ही मैं बिलासपुर से चला हूं 2 बजे और 5 बजे अंबिकापुर पहुंचा हूं। पूरे रास्ते भर में कम से कम 1000 गायें सड़क पर बैठी हुई मिली। गोठान में कोई गाय नहीं जा रही है। इस गोठान की वजह से पालतू जो पशुपालक थे उन्होंने भी अपने पशुओं को बांधना बंद कर दिया। उठान के बारे में जो बता रहे हैं यह बात सही है। अभी माननीय उच्च न्यायालय के चीफ जस्टिस सिन्हा सर ने जब रास्ते में आ रहे थे तो उनकी गाड़ी को कोई गाय ने ठोक दिया। उन्होंने चीफ सेक्रेटरी को बुलाकर बोला कि अगर रोड पे गाय दिखी तो अच्छा नहीं होगा। उसके बाद भी यह इनका कहना सही है कि रात को अगर आप अंबिकापुर से रायपुर जा रहे हो, बिलासपुर जा रहे हो, तो कहां पे गाय बैठी है, कौन एक्सीडेंट हो रहा है, कोई ठीक नहीं है। तो वास्तव में गोठान गांव में नहीं है, गोठान सड़कों पे है और वह सड़क से नहीं हट रही है। निश्चित तौर पर सम्मान की कड़ी को आगे बढ़ाते हैं और मैं इमरान जी हेलो। तो चलिए सम्मान समारोह की कड़ी को आगे बढ़ाते हैं और मैं चाहता हूँ हमारे डीके सोनी जी को और अजय अग्रवाल जी को स्मृति चिन्ह देकर उनका अभिवादन करें। हमारे शेखर गुप्ता जी, जोरदार ताली से स्वागत। तालियां बजती रहनी चाहिए। तो चलिए सम्मान समारोह की कड़ी को मैं आगे बढ़ाता हूँ और साधना न्यूज खास कार्यक्रम सरगुजा हेड शेखर गुप्ता जी, इनसे रूबरू होने का जो मौका है। तो चलिए शेखर गुप्ता जी, बहुत बहुत धन्यवाद। आम आदमी पार्टी के हमारे साथ लोग जुड़े हुए हैं और सब सम्मानित हैं। आम आदमी पार्टी को अभी मनोज दुबे से ही शुरू करना चाहूंगा। मनोज दुबे जी हमारे लोकसभा अध्यक्ष हैं। सरगुजा में भी आम आदमी पार्टी को कितना आगे देख पा रहे हैं? शेखर जी, बहुत अच्छा सवाल है आपका। आम आदमी पार्टी 2018 में भी चुनाव लड़ी,